हाउ टू ट्रांसफर फंड ट्रस्ट वॉलेट टू बाइनेंस एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो ट्रांसफर करने का तरीका सीखेंगे ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज में। आपके ट्रस्ट वॉलेट में किसी भी किस्म की करेंसी हो, किसी भी नेटवर्क की करेंसी हो, तो आप बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले वो क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जिसे आपने ट्रांसफर करना है। जैसे कि मैं यहाँ से TRS कॉइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेंड बटन प्रेस करना है। सेंड बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी जिस पर आपने क्रिप्टो ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि मैं बाइनेंस एक्सचेंज ओपन करता हूँ, आपने ओपन करनी है बाइनेंस एक्सचेंज, वॉलेट्स में जाना है, उसके बाद आपने यहाँ से स्पॉट में जाना है और यहाँ से आपने डिपॉजिट बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने TRS कॉइन जो आपने ट्रांसफ़र करना है, जो भी क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, सर्च करें और यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट नेटवर्क हैं जैसे कि TRC20 है, BEP20 है, ERC20 है। जैसे कि मैं अभी TRC20 का यूज़ करूँगा। अगर आपने BEP20 का यूज़ करना है तो आपने BEP20 का ही एड्रेस लेना है या ERC20 का ही एड्रेस लेना है। मैं अभी TRC20 का यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपने इसका जो डिपॉजिट एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप दोबारा ट्रस्ट वॉलेट में जाएँ। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पर आपने डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट करना है। इसके बाद नीचे अमाउंट ऐड करें। जैसे कि मैं यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट सेंड करना चाहता हूँ तो इसलिए मैक्स करूँगा। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद विद इन सेकेंड आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी फ़िलहाल प्रोसेसिंग में है। तकरीबन 10 सेकेंड में यहाँ पर इसकी जो स्टेटस पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से इसका पेज रिफ्रेश करके आपको चेक कराता हूँ। मैं यहाँ से पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब आपने बाइनेंस में जाना है। यहाँ पर आपने इसकी डिपॉजिट हिस्ट्री में जाना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो 122 TRS कॉइन थे वो हमारे पास सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ पर हम स्पॉट वॉलेट में भी जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉन कॉइन हमने ट्रांसफ़र किए थे वो हमारी बाइनेंस एक्सचेंज में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुके हैं। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज में फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम नेटवर्क का यूज़ करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।